क्यों कहते कृष्ण अर्जुन को कि उठा गांडी। एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद शब्दों से काम चलता ही नहीं। लाभकारी अक्सर गदा और बाणी होते हैं, इसीलिए गीता उपनिषदों से अधिक प्रभावकारी रही है, प्रसिद्ध और प्रचलित रही है। गीता जरा ज्यादा धरातल पर है। आचार्य जी, आचार्य जी, मेरा सवाल है कि जी मुझे पता है कि समय काफ़ी सीमित है मेरे लिए और इसे व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ मीनिंगफुल चीज़ों में लगाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश भी करता हूँ इसके लिए, बट समस्या क्या है कि कई सारे डिस्ट्रैक्शंस जिनको मैं अवॉइड नहीं कर पाता, जिनको मैं इग्नोर नहीं कर पाता, कई सारी चीज़ें जिन जिनसे मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि लोग हैं जो वैसे मुझे नीचे खींच रहे हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, उनसे मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ चीज़ें जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, कई सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जिसको मैं जिससे मैं दूर नहीं रह पाता हूँ, तो उससे मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ, कैसे मैं उससे मैं खुद को ऊपर उठा सकता हूँ ताकि मैं जो सही चीज़ें हैं उस पर मैं अपने समय को लगा सकूँ। लंबा चौड़ा जवाब नहीं है, निर्णय आपने पहले ही घोषित कर दिया है। उसके बाद आप कहें कि मैं निर्णय कैसे बदलूं, तो कोई क्या कहेगा। आपने कहा कुछ लोग हैं उनसे मैं दूर नहीं रह पाता, ये एक निर्णय है, ये व्यवस्था नहीं है, ये एक निर्णय है। उसके बाद कह रहे हैं कि उनसे दूर कैसे रहूं। निर्णय घोषित कर देने के बाद किसी प्रकार की विचार प्रक्रिया या संवाद का कोई महत्व बचता है क्या? अदालत में मुकदमा चल रहा हो और शुरुआत में ही निर्णय घोषित कर दिया गया हो, उसके बाद गवाह, सबूत, प्रमाण, बहस, इनका कोई औचित्य कुछ बचा? विवशता के आगे न कोई तर्क चलेगा, न ज्ञान चलेगा, न अभ्यास चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपना प्रश्न ये कहकर शुरू करता हो कि फलानी चीज़ मैं कर नहीं पाता, उसको क्या कहा जाए? आत्मप्रवंचना है बेटा, स्वयं को धोखा देने की बात है। तुम कहते हो कि कुछ लोग हैं मन से दूर नहीं रह पाता, क्यों? उनमें कोई चुंबकीय शक्ति है? क्या हो जाता है, पुलिस आती है तुम्हें जबरन बांध करके उनके सामने डाल देती है, क्या हो जाता है? अपने ही पांव चल करके उनके पास जाते हो ना, तो क्या है ये? अपना निर्णय है और स्वेच्छा से लिए हुए निर्णय सिर्फ स्वेच्छा ही बदल सकती है। कोई न जानता हो उसको जनवाया जा सकता है, पर जिसने जाना है, भले और बुरे को तोला है और तोलने के बाद ये फैसला करा है कि मुझे तो अपनी बुराई की ओर जाना है, कौन उसका कोई हित कर सकता है? जादू नहीं होते। अध्यात्म में, वेदांत में कोई जादुई शक्ति नहीं है। आपको कुछ बातें बताई जा सकती हैं, आपके हित में क्या है, आपके लिए अहितकर क्या है, आप कुछ करते हैं तो उसका कैसे परिणाम आता है, ये सब बातें आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन आप एक युवा व्यक्ति हैं, आपको वेदांत मजबूर तो नहीं कर सकता ना। व्यक्ति का स्वभाव है मुक्ति, और उसका अर्थ यह है कि मुक्ति की ओर जाना है या नहीं जाना है,
ये निर्णय भी आपको अपनी मुक्ति में ही करना पड़ेगा। आप मुक्त हैं ये निर्णय करने के लिए भी कि आपको मजबूरी का मुखौटा पहने रहना है। मैं मजबूर हूँ, इसके आगे कोई क्या कर सकता है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके आगे कोई सलाहकार, कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। आप टेनिस खेलने गए हैं, कोच आपको गेंदें डाल रहा है, चार गेंदें उसने डाली, पांचवी पे आप बोल दें मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, ये तो आपने निर्णय पारित कर दिया ना। अब कोई क्या मदद करेगा? आप पहली बात कही कि आचार्य जी आप समझाते हैं कि किन कामों से किन लोगों से दूर रहना चाहिए, और अगली बात कही लेकिन मैं गलत लोगों से दूर नहीं रह पाता, अब मेरे लिए कुछ करने को शेष नहीं है। हाँ, मैं मदद कर सकता था यदि प्रश्न ये होता कि मैं कैसे जानूं कि कौन मेरे लिए अच्छा कौन मेरे लिए बुरा, अच्छे बुरे का तकाजा क्या है, तो मैं कुछ कह पाता। आप समझ चुके हो क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बस यही हो सकता है कि देख लो कि तुम्हारे स्वार्थ तुमसे जो करवा रहे हैं उसका परिणाम क्या आता है। कोई विवश नहीं होता, स्वार्थ होते हैं, और इसीलिए उन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है जो बार बार यही बताते चलें कि मैं तो शोषित हूँ, पीड़ित हूँ, मेरे साथ तो दुनिया ने गलत कर दिया, या मैं भीतर से कमज़ोर हूँ ना, इसीलिए मैं कोई अच्छा काम कर नहीं पाता, किसी भली राह पर आगे बढ़ नहीं पाता। कमज़ोरी एक झूठ है, मजबूरी एक ढोंग है, असली शब्द है स्वार्थ। आपका जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ मजबूरियाँ कमज़ोरियाँ सब खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बुरा सा लगता है स्वीकार करने में कि हम स्वार्थ की कठपुतलियाँ हैं। तुम कहते हैं नहीं नहीं, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी है फलाने व्यक्ति की संगति करने में, मैं तो मजबूर हूँ इसलिए करना पड़ता है। पहली बात जानिए कि आप स्वार्थ के चलाए चलते हैं। दूसरी बात ये भी जानिए कि स्वार्थ माने फायदा, माने मुनाफा, माने लाभ। जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान दे रहा है। आपका असली लाभ किसी और दिशा में है। स्वार्थ आपने देख लिया, अपनी सीमित गणना में आपने इतना देख लिया कि इस तरफ को जाऊंगा, मान लो बाईं तरफ को, तो इतना मुझे लाभ हो जाता है। ये अपनी सीमित गणना में आपने देख लिया। मैं कह रहा हूँ अपनी गणना को विस्तार दीजिए, देखिए कि उधर जाने में लाभ तो हो रहा है आपको 10-20-50 रुपये का, नुकसान कितने का हो रहा है। और फिर जब कुल तस्वीर सामने आएगी तो आपको पता चलेगा उधर नहीं जाना है। आप तुरंत मजबूरी झाड़ कर उठ खड़े होंगे, आप कहेंगे अरे मजबूरी वगैरह तो पहले भी नहीं थी, मुझे लगता था उधर जाने मुनाफा इसीलिए बार बार चला जाता था, पर अभी अभी साफ दिख गया कि कोई मुनाफा नहीं है तो अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। भावनात्मक विवशताएं, आदतें, ये सब झूठे शब्द हैं। आप निर्णय करते हैं जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो संयोगवश नहीं घट रहा, उसमें आपकी सहमति शामिल है। आप किन्हीं परिस्थितियों में हो तो सकते हैं संयोगवश, पर उनमें बना रहना ये बात संयोग की नहीं चुनाव की होती है। मेरे मोहल्ले में बड़ी दुर्गंध उठती है, हो सकता है आपका जन्म वहां हुआ हो सकता है आप जब वहां आए हो
तब वहां दुर्गंध ना हो, अब फैल गई हो, ये बात संयोग की हो सकती है, पर आप वहीं पर टिके रह जाएं, ये बात अपना चुनाव होती है। मैं जैसे ही कहता हूं फिर कि वहां टिके क्यों हो, तो आप पलट के कहते हैं तो चले कहां जाएं? जहां तो आप कहीं भी सकते हैं, बस बात इतनी है कि कहीं और जाने में कष्ट होगा, वो कष्ट आप चुनना नहीं चाहते। वहां टिके रहने में कुछ सुविधा है, आराम है, स्वार्थ है, इसलिए आप चुनाव करते रहते हैं कि मैं वहीं टिका रहूंगा भले ही कितनी बदबू हो। अब वहां टिके रहने के आप मजे भी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ शिकायत करके भले भी बनना चाहते हैं कि अरे मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं पीड़ित हूं, इतनी बदबू में मुझे रहना पड़ रहा है। आप उस बदबू में एक पल न रहें, अगर वहां रहने में आपको कोई सुविधा, कोई सुख, कुछ आराम न मिलता हो, वो आपने छुपा रखा है, वो आप बताना नहीं चाहते। वो चाहे बदबूदार मोहल्ला हो, चाहे अपनी कोई पुरानी आदत हो, चाहे किसी व्यक्ति की संगत हो, निश्चित रूप से आप वहां से कुछ मुनाफा कमा रहे हैं, नहीं तो आप वहां टिके नहीं रहते। मुनाफे की बात छुपा क्यों जाते हो भाई? दुख दर्द अपना सब बयान कर देते हो, अरे वहां हूं, वो मुझे बहुत मारता है, मैं क्या करूं, परेशान करता रहता है। मैं हैरत से चेहरा देखता हूं, मैं कहता हूं कोई आपको मारता है, कोई परेशान करता है, किसी की संगति बुरी है, तो वहां टिके क्यों हो? फिर धीरे 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 जब खोदो, खुरचते जाओ, तो बात उभर कर आती है कि महीने का गल्ला भी वहीं से आता है। वो बात बड़े आराम से दबा गए, वो नहीं बताते। और फिर ये मेरे साथ भी अन्याय होता है, अपना सब सड़ा गला दुख दर्द आकर के बता देते हो, और वो जो वहां मौज लूट रहे हो वो नहीं बताते हो, और मौज मिल ना रही होती तो वहां टिके ना होते। क्या ये संभव है कि किसी को कहीं सिर्फ दुख मिल रहा हो फिर भी वहां पर रुका हुआ हो? कहिए, क्या ये संभव है? कोई कहे कि उसे सिर्फ दुख मिल रहा है और कहीं रुका हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति बेईमान है, खूब सुख भी पा रहा है लेकिन सुख छुपा जा रहा है, सुख बताना ही नहीं चाहता, और इधर उधर जाकर के दुख दुख छाती पीट रहा है। मजबूरियों की बात नहीं करेंगे, मजबूरियां सबके पास बहुत है। आचार्य जी, आपने कहा कि उसमें जो निर्णय लेना है वो खुद से लेना है, अच्छे बुरे का फिर पहचान कैसे कर सके, उस पर थोड़ा प्रकाश अगर डाल सके? अगर सुनते हो मुझे तो जानते ही हो, जहां मन हल्का होता हो, साफ होता हो, जहां विचारों में ऊंचाई आती हो, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी है, वो संगति भली है। जहाँ मन में लालच डाला जाता हो, मन को भ्रष्ट दूषित किया जाता हो, तुम्हारी मुक्ति पर पहरे बिठा दिए जाते हो, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जीवन में गहराई आ रही है या और उथला होता जा रहा है? तुम में साहस आता जा रहा है या और डरपोक होते जा रहे हो? जिसके पास बैठे हो तुम्हें नशे की तरफ धकेल रहा है या होश की तरफ? आसान है ना, तुरंत पता चल जाता है कि संगति सही है कि नहीं। अगल बगल का ख्याल रखो, इसी को तो संगति कहते हैं। आपका एक कोट है कि व्यर्थ जाते जीवन की भयावहता जानो पूरे तरीके से, फिर देखो जिंदगी बदलती है। तो इसमें पूरे तरीके से जानने का क्या मतलब है? ये कभी कभी समझ में आता है कि जिंदगी छोटी है, हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन वो हर क्षण में जागरूकता नहीं बनी रह पाती, मतलब कभी कभी टाइम वेस्ट भी कर लेते हैं, मजबूरी है।
मजबूरी है, मजबूरी होती है ये, क्या होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ऐसा चुनाव करते हैं तो आपका चुनाव है, आप जानिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वो चुनाव करके आपने क्या लूटे, मजे, और अभी यहाँ पे कैसे खड़े हैं। जब वो चुनाव कर रहे थे और मजे लूट रहे थे तब जैसी शक्ल थी वैसी शक्ल बनाओ ना, उत्तर मिल जाएगा, फिर तो आईना ही उत्तर दे देगा कि बात क्या है। जब उस तरह के चुनाव करते हो तब देखा ना शक्ल कैसी रहती है, बिल्कुल दमकती हुई, चेहरे पे खून दौड़ रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, बस वही है उत्तर, वही है और कोई उत्तर नहीं है। देख करके बेटा, थोड़ा सा रुकना होता है, थमना होता है, देखना होता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है। लेकिन राग रंग मजे लालच के आगे हम चाहते ही नहीं है देखना, दिख भी जाए तो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब, कोई आध्यात्मिक इसमें बात नहीं है कि क्या खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सब जानते हैं ना, और वो आपके सामने रखा होता है, आप उसे खा रहे होते हैं। आपको कोई आचार्य चाहिए आपको बताने के लिए कि उसमें क्या भयावह है, जल्दी बता दो। कोई भी आपको बाहरी मदद चाहिए ये जानने के लिए कि उसमें क्या भयावह है, सामने रखा हुआ है, दिख रहा है कि वो भयावह है जो अपने साथ कर रहे हो, तो मजा है, चटकारे हैं, वैसी शक्ल बनाओ ना, और यही उत्तर है, इसका कोई और उत्तर नहीं होता। भयावहता कोई गुप्त बात थोड़ी है कि मैं उसको शास्त्रों के बीच से खोद के निकालूंगा और तुमको बताऊंगा देखो ये भयावह है, सब जानते ही हो क्या भयावह है, लेकिन जहां भयावहता है वहीं पर मजा भी तो है, मजे का क्या करें। मजे मजे मजे। अपने आप को आंतरिक प्रशिक्षण दो, जहां मजा आ रहा हो वहां ठिठक जाने का। प्रकृति ने आपको प्रशिक्षण दे रखा है जिधर मजा हो उधर बह जाने का, आप अपने आप को उल्टा प्रशिक्षण दीजिए। मजा नहीं आ रहा तो फिर भी आप एक साधारण चाल चलते रहिए, लेकिन अगर किसी दिशा से मजा आपको खींच रहा है तो ठिठक जाइए, कहीं कुछ गड़बड़ होगी, मजा भी नहीं बिना गड़बड़ के आता ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। दाल में लाल काला पीला सब कुछ है, नहीं तो मजा मजा कहां से आ गया। बुद्ध तो बता गए थे जीवन दुख है, और मुझे जीवन में मजे मिल रहे हैं, बुद्ध इतने गलत तो नहीं हो सकते। निश्चित रूप से ये दुख ही है जो मजे का रूप धरकर आ रहा है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हमें मजा आया नहीं कि हम बिल्कुल वही जैसे चिड़िया जाती है जाल में पड़े दानों की ओर वैसे ही उड़ के फुदक के पहुंच जाते हैं, मजा 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 मजा। और उसके बाद जब फंस गए तो आचार्य जी कहे, जब फुदक के उधर जा रहे थे तब आचार्य जी नहीं याद आए थे, तब कोई नहीं याद करता, ये मुझे बड़ी शिकायत है। कोई रोती हुई तस्वीरें भेजता है, कोई दुख की पूरी रामायण भेज देता है, अरे अपने मजे वाली तस्वीरें भी कोई भेजा करो। सुख में तो आचार्य जी याद ही नहीं आते, सुख के बाद जब सुख का कोड़ फूटता है पूरी हस्ती से तब दौड़ते हो, ये क्या हो गया आचार्य जी। सुख तो छुपा जाते हो पूरा,
उस समय तो अगर मैं कहीं से टहलता टहलता आ भी जाऊं तो दरवाजा बंद कर लोगे, कहोगे अरे ये कहां से इस वक्त आ गए कबाब में हड्डी। कितने लोग आते हैं, आचार्य जी विवाह हो गया है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है। फिर मैं याद करता हूँ पिछले 10 बरस में, पिछले 15 बरस में एक भी विवाह समारोह का मुझे आमंत्रण नहीं आया है। जब तुम शादियां कर रहे थे तब तो तुमने मुझे बुलाया नहीं। अब शादियों से जो ये रक्तबीज पैदा हुआ है उसकी समाप्ति के लिए मुझे याद कर रहे हो, शादी मुझे क्यों नहीं बुलाते ये बताओ ना। मैंने पकड़ा था एक बार, बोला होगी नहीं फिर। बुलाया करो ना, तब भी बुलाया करो, जब मजे ले रहे हो तब भी तो बुलाओ। और इसमें 1% भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए पूरी संस्था को, संस्था में किसी को भी किसी तरह का कोई आमंत्रण नहीं आता। हां दिन भर दुख की दुहाइयां आती रहती हैं, ईमेल से टपक रही हैं, फोन पे आ रही हैं, जितने तरीकों से हो सकता है। कई दुखी ऐसे होते हैं दीवार फांद के अंदर आ जाते हैं। पर जब सुख ले रहे थे तब उन्हें संस्था याद नहीं आई। तो यही समाधान है, सुख में भी याद कर लिया करो।